अगेन हेलो एबी, हेलो गाइस, पावरफुल हेलो 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 गाइस, हेलो गाइस, वेरी गुड इवनिंग एंड अस्सलाम वालेकुम। दिन और रात, सुबह और शाम, सिर्फ और सिर्फ एबी स्वर के साथ। तो जी हाँ जी गाइस, एबी स्वर में आप कहते होंगे एबी के आज हेयर्स को क्या हो गया। तो जी हाँ जी, बिल्कुल जी, एबी के हेयर्स आज ऐसे इसलिए क्योंकि हम एबी की करने लगे हैं जी हेयर ऑयल मसाज। तो ये है जी हेयर ऑयल, जो कि बहुत स्पेशल बना हुआ है, हेयर ऑयल है, और इसको हमने बना के कंटेनर में सेव करके रखा हुआ है। ये किस चीज़ का ऑयल है ये भी मैं आपको बताती हूँ कि एबी को ये ऑयल हम क्यों लगाते हैं, क्यों हेयर्स में एबी के अप्लाई करते हैं। तो गाइस जी हाँ जी, ये कोकोनट शेल ऑयल है। कोकोनट के छिलकों को जला कर हमने जो है ऑयल में ऐड किया है। ऑयल आप कोई सा भी ले सकते हैं, कोकोनट ऑयल ले सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल ले सकते हैं, कोई सा भी जो आपके पास अवेलेबल हो वो ले सकते हैं आप। तो हमने जो है कोकोनट ऑयल में ऐड करके जो है एबी के लिए ये ऑयल बना के रखा हुआ है, क्योंकि गाइज आप जानते हैं कि एबी के हेयर्स जो है ब्राउन हेयर्स है और बहुत वेट में लाइट हैं। तो ये बहुत एक अच्छा बेस्ट टोटका है। तो इस टोटके को अपने बच्चों के लिए आप ज़रूर अप्लाई करें, और ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। हार्मफुल भी नहीं है, चुभता भी नहीं है, लगता भी नहीं है, कोई इसकी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बिल्कुल प्योर और ओरिजिनल हेयर ऑयल है। तो एबी के हेयर ऑयल के हेयर्स में हम ये ज़रूर अप्लाई करते हैं, और एबी के हेयर ऑयल में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आई हैं, सॉरी एबी के हेयर्स में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आई हैं। एबी के हेयर्स पहले थोड़े बहुत कम थे, अब थोड़े से बेहतर की तरफ जो है चलने लग गए हैं। तो चलिए एबी के ऑयल हेयर्स पे ऑयल अप्लाई करते हैं और फिर गाइस आपको दिखाते हैं। तो एबी इस वक्त जी कार्टून देख रही है, आप देख सकते हैं एबी को, कि एबी देख रही है जी कार्टून, और साथ साथ एबी को करने लगे हैं जी हम हेयर चम्पी। तो हेयर चम्पी करने से पहले मैं कर दूंगी जी हेयर कॉम एबी के हेयर्स में। तो चलिए करते हैं कॉम एबी के हेयर्स में, और ताकि जितने भी उलझे हुए बाल हैं वो जो हैं बिल्कुल सीधे हो जाएं। और ये ऑयल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, अपने बच्चों के लिए ज़रूर अप्लाई करें। एबी नहीं करे तो एबी को थोड़ी सी ड्राइनेस भी थी हेयर्स में, क्योंकि ड्राइनेस की वजह से भी एबी को जो है बहुत सारे बाल जो थे, बालों का इश्यू रहता होता था, ईचिंग बहुत होती थी एबी को। तो ये जब से ऑयल लगाना हमने स्टार्ट किया है, एबी के आराम आराम से स्लोली स्लोली हेयर्स में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रही हैं। तो अपने बच्चों के लिए ये ऑयल बना के रखें, बहुत इजी है बनाना, सिंपल। आप इसको चूल्हे के ऊपर जी जला लें, और कोई से भी ऑयल में मैंने पहले भी बताया कि आप डाल के इसको यूज़ कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए, और चुभता नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है इसमें जिससे बच्चे जो हैं थोड़ा सा अवॉइड करें, थोड़ा सा बच्चे जो हैं इस ऑयल से भागें। ये बहुत अच्छा ऑयल है। तो अब हम अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। सिंपल तरीका है इसको लगाने का, आप बना के जब स्टोर करके रख लेंगे तो आप इसका कलर देख सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए कितना ब्लैक हो गया है। आप देख सकते हैं कि ये छिलके डालने की वजह से जो है कोकोनट ऑयल जो वाइट होता है वो बिल्कुल इस कलर में हो चुका है। तो ये बहुत ज़बरदस्त ऑयल है, अपने बच्चों के लिए ज़रूर बनाएं। तो आप एबी के हेयर्स में अप्लाई करते हैं, और एबी के हेयर्स का कलर थोड़ा सा लाइट है तो कुछ उसको डार्क करने के लिए भी हम ये यूज़ करते हैं। और एबी के स्कैल्प पे बहुत ज़्यादा हेयर स्कैल्प पे जो ड्राइनेस है उसकी वजह से भी हम यूज़ करते हैं। तो अगर मेरे जी अगर कैमरे में मैं थोड़ा बहुत आ रही हूँ और एबी को मैं डिस्टर्ब कर रही हूँ एबी की वीडियो को, तो उसके लिए जी माजरत चाहते हैं। तो एबी की हो रही है जी इस वक्त चम्पी। तो हमने सोचा कि हम जो एबी के हेयर्स में यूज़ करते हैं, एबी के लिए यूज़ करते हैं, वो क्यों ना गाइस आप लोगों के बच्चों के साथ भी शेयर किया जाए, और आप लोग भी अपने बच्चों के लिए यूज़ करें, और हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके रिज़ल्ट आप लोगों ने बताना है। ये देख सकते हैं आप, आई होप सो आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से नज़र आ रहा होगा। तो अभी आपको कैसा लग रहा है अभी? अभी कैसा लग रहा है? अच्छा, अच्छा लग रहा है। तो एबी का जी आज ऑफ था कुछ, इसलिए भी हमने एबी को सोचा कि हेयर ऑयलिंग कर देते हैं एबी को, हेयर टाई करके एबी के बांध देंगे, और तकरीबन 2 आवर्स के बाद जो है एबी का हेयर वॉश कर देंगे। जब तक एबी अपना लंच कर लेगी
कि तुम लोगों को बैल की तरह इसलिए बन रहे हैं कि चुपचाप इसके डायलॉग सुनते रहो। तो आपने जरूर इस ऑयल को अप्लाई करना है अपने बच्चों के लिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जी ज़रूर बताना है। तो थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा ऑयल लगाएं और चम्पी कीजिए, अच्छे से मसाज कीजिए बच्चों को हल्के हाथ से, ताकि जी बच्चे खुश होकर आपके पास बैठ जाए ऑयल लगवाने के लिए। तो एबी की एक अच्छी हैबिट है जी, एबी लगाती है ऑयल, बहुत रिलैक्स होकर लगवाती है। ऐसा नहीं है कि ऑयल से थोड़ा सा चिढ़ती है, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि बच्चे हेयर ऑयलिंग से बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं, लेकिन एबी की एक अच्छी नेचर है कि एबी जो है इजीली ऑयल लगवा लेती है। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर थोड़े से बाल कम हैं, यहाँ पर पहले बहुत ही कम थे, अब थोड़े थोड़े आना स्टार्ट हो चुके हैं। तो ये ऑयल बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त है गाइस, आप अपने बच्चों के लिए ज़रूर ट्राई करें। मुझे मम चाहिए, मम ला के देती हूँ मैं आपको। तो अभी हम करते हैं जी मसाज कंप्लीट, और एबी को पिलाते हैं जी पानी, और फिर गाइस आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए। तो जी हाँ जी गाइस, यहाँ पर हेयर ऑयल हमारा अच्छे से एबी के हेयर्स में लग चुका है, और ये वाले जो एरियाज़ हैं, यहाँ पर जो फ्रंट पार्ट हैं, यहाँ पर आपने जी थोड़ा भर भर के लगाना है। वो भर भर के क्यों लगाना है, क्योंकि ये 2 घंटे तक जब तक हमने वॉश करना है, ये सारा जो है स्कैल्प के अंदर चला जाएगा। तो मसाज कीजिएगा अच्छे से, ताकि स्कैल्प जो है आपका अच्छे से जो है ऑयल के साथ हो जाए। तो एबी की हो चुकी है जी मसाज कंप्लीट। तो आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आप लोगों ने अपने बच्चों के लिए ऑयल बनाया है या नहीं बनाया। ये सबसे ज़्यादा बेनिफिट है आपके बच्चों के हेयर्स कलर को डार्क करने के लिए। तो बहुत अच्छा ये ऑयल है, और विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट आप इसको खुल के बड़े छोटे यूज़ कर सकते हैं आप, बल्कि बड़े भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये बच्चों के लिए स्पेसिफिकली कोई ऑयल है, ऐसा नहीं है। अगर आप बड़े हैं तो आप भी अपने हेयर्स में यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया, कोई से भी ऑयल में आप इसको डाल के यूज़ कर सकते हैं। तो एबी की मसाज हो चुकी है जी अच्छे से, अभी हम कर देंगे जी एबी के हेयर टाई। तो आप देख सकते हैं कि मैंने काफ़ी ज़्यादा जो है एबी को ऑयल लगाया है। काफ़ी ज़्यादा क्यों लगाया, सिर्फ इसलिए कि एबी के हेयर्स जो हैं, हेयर्स का ऑयल जो है अंदर रूट तक चला जाए। तो जी ये देख सकते हैं, एबी फेस कीजिएगा इधर 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 जाने से पहले गाइस को कहिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। आराम से स्लो 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 गाइस, ओके टाटा बाय, हैंडी शेक करके बाय, ओके टाटा बाय। तो जी हाँ जी गाइस, आप भी चलते हैं, आपसे इजाज़त चाहते हैं। तो नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए वेट कीजिए।